जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आर के मीणा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों का स्वास्थ्य स्वस्थ कैसे बनाए रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा पिछला वीडियो था गवर्नमेंट जॉब प्लस एजुकेशन से संबंधित, जिसमें आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आओ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे सबसे कीमती हीरे हमारे बच्चे होते हैं। दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करें और हमेशा आबाद रहें। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं। उनकी प्यारी प्यारी बातें, हरकतें नज़र लगने का कारण बन जाती है। दोस्तों, नज़र किसी की भी लग सकती है, माता पिता, टीचर, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार आदि। और छोटे बच्चे मौसम बदलाव की चपेट में भी जल्दी आते हैं, जैसे स्कूल टाइम की वजह से गर्मी में धूप लगना, पसीने में पानी पीना, या सर्दियों में जल्दी नहाना या ठंडी हवा आदि का लगना। ये सब आपके बच्चे के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर देती है, परंतु दोस्तों घबराए नहीं, ये स्वाभाविक है। अब मैं दोस्तों आपको उपाय बताता हूँ। उपाय नंबर एक, शनिवार के दिन अपने बच्चे के सीधे हाथ में काला धागा अवश्य बांधें। उपाय दो, महीने में कम से कम एक एक बार शनिदेव व हनुमान जी के मंदिर में झाड़ा लगवाएं। उपाय नंबर तीन, हो सके तो प्रत्येक मंगलवार व शनिवार अपने बच्चे को बजरंगबली के दर्शन करवाएं। उपाय नंबर चार, नीम की छोटी सी लकड़ी बच्चे के स्कूल बैग या खिलौनों के साथ रखें। उपाय नंबर पांच, दोस्तों जब आपकी इच्छा हो तब आप अपने बच्चों के हाथों से गाय के बच्चे को रोटी खिलवाएं। दोस्तों, कि पांचों उपाय आप बच्चा नॉर्मल हो या बीमार हो दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब प्राकृतिक उपाय हैं और इनमें दम भी है। यदि दोस्तों बच्चा बीमार हो तो मेडिसिन के साथ साथ ऊपर बताए पांचों उपाय करें, बच्चा दवा व दुआ दोनों से जल्दी ही ठीक हो जाएगा। यकीन नहीं, परिवार के बड़ों से पूछ लो। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ दो मोस्ट पॉइंट बताना चाहूँगा। तो किसी केस में बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो तो घर में जो मांगलिक सदस्य हो वो उसके पास रहे और बीच बीच में टच करता रहे। मोस्ट पॉइंट नंबर दो, जो पेरेंट्स ये चाहता है कि उनका बच्चा हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, तो इसके लिए बच्चे के पिता को एक कार्य करना होगा। वह सुबह हर रोज एक मुट्ठी बाजरा चिड़िया या अन्य पक्षियों को जरूर खिलाएं। दोस्तों, अब इन उपायों को मैं एक सिस्टम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया था, काला धागा, नजर से बचाओ प्लस नेगेटिव एनर्जी को डायरेक्ट अटैक करने से रोकना, नीम की लकड़ी कीटाणु जीवाणु से रक्षा प्लस नीम में हनुमान जी का निवास होता है, शनि जी का झाड़ा नजर काटने का कार्य प्लस सुरक्षा कवच प्रदान करता है, हनुमान जी के दर्शन व झाड़ा नजर काटने का कार्य प्लस बॉडी को शक्ति मिलेगी प्लस नेगेटिव एनर्जी दूर होगी प्लस मंगल ग्रह स्ट्रांग होगा। यदि दोस्तों बच्चे को एजुकेशन से संबंधित समस्या हो या एजुकेशन की वजह से बच्चा बीमार फील कर रहा हो तो प्रत्येक बुधवार को आप उसे गणेश जी के दर्शन करवाएं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो या हमारे विचार आपको अच्छे लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। बाय दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ। जय श्री राम।